आज हम बात करेंगे तीसरे दौर के मतदान का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान खत्म हो गया है। तीसरे चरण के तहत 11 राज्यों के 93 सीटों पर लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे दौर के मतदान में शाम 5 बजे तक का जो वोट परसेंटेज है वो लगभग 60.19% मतदान हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तीसरे चरण के चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक औसत मतदान जो है वो 60.19% निकलकर सामने आया है। असम में सबसे ज्यादा करीब 75% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे कम करीब 53% वोटिंग हुई है। इन सबके बीच ये वोट परसेंटेज क्या कहता है, किस तरफ इशारा है? अगर किसी राज्य में वोट परसेंटेज कम है तो वो किसके लिए खतरे की घंटी है? इन तमाम सवालों को हम समझेंगे। और अगर वोट परसेंटेज ज्यादा निकलकर सामने आता है तो किसके लिए अच्छे संकेत देता हुआ नजर आता है, और अगर वोट परसेंटेज कम है तो इसकी क्या बड़ी वजह रही, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज लोगों ने वोट किए, इन तमाम चीजों को हम समझेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटें शामिल हैं जिनमें आज वोट डाले गए। सबसे खास सीटों की बात करें तो गुजरात की गांधीनगर सीट है, महाराष्ट्र की बारामती सीट है। गांधीनगर से गृहमंत्री अमित शाह और साथ ही कांग्रेस की सोनल रमन भाई पटेल चुनाव लड़ रही हैं। और बारामती से बात करें तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुकाबला जो है वो माना जा रहा है। इन सबके बीच बारामती की सीट अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। और साथ ही कुछ और हॉट सीट की अगर हम बात करें, जहां पर मध्य प्रदेश की विदिशा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनके सामने कांग्रेस की तरफ से भानु प्रताप शर्मा मैदान में हैं। गुना से बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से यहां पर राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कर्नाटक की अगर हम धारवाड़ की बात करें तो भाजपा के प्रहलाद जोशी और वहीं कांग्रेस की तरफ से विनोद आसुती चुनावी मैदान में हैं। हावेरी से बात करें तो भाजपा के बसवराज बोम्मोई बनाम कांग्रेस के आनंद स्वामी गदे देवरमत हैं। और असम के में धुबरी की अगर हम बात करें तो एनडीए की तरफ से बदरुद्दीन अजमल बनाम भारत के, वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो रकीबुल हसन जहां पर, ये कुछ अहम सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर या एक तरह से कह सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं उनको लेकर हमने आपको जानकारी दी। 5 बजे तक का अगर हम औसत प्रतिशत बात करें तो 60% मतदान हुआ है। असम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 74.86%। बिहार की बात करें तो लगभग 56.01% वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 66.87% वोटिंग हुई है। दादर और नगर हवेली की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो 65.23%। गोवा की बात करें तो 72.52%। गुजरात में 55.22%। कर्नाटक में 66.05%। मध्य प्रदेश में 62.28%। महाराष्ट्र में 53.40%। उत्तर प्रदेश में 55.13% और पश्चिम बंगाल में 73.93% वोटिंग हुई है। देखिए, अगर फर्स्ट फेज से ही अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है वो पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल से लगा हुआ बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में वोट परसेंटेज जो है वो सामने फिलहाल नहीं आया है। चाहे फर्स्ट फेज की बात करेंगे, चाहे सेकेंड फेज, और आज भी अगर हम थर्ड फेज की बात करते हैं तो वोट परसेंटेज जो है वो बिहार की अगर हम बात करें तो लगभग एक तरह से कह सकते हैं कि 56.01%। हालांकि ये जो परसेंटेज है वो 5 बजे तक का है। जब 7 बजे 6 बजे तक का पूरा परसेंटेज सामने आएगा तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ आंकड़ा जो है वो इसमें बढ़ेगा। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं, महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। यानी ये आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को जब मेरे हाथ कट जाए तो मेरी मुसीबत कितनी बढ़ गई होगी। और इसलिए
इन सब साथियों की मुझे बहुत याद आना और यहां जब आया हूं तो स्वाभाविक रूप से गोपीनाथ जी की याद आना और जो मैं कमी महसूस करता हूं वो मुझे फील होता है। साथियों, आज तीसरे फेज का मतदान खत्म होने पर है और साथ ही इंडी अघाड़ी की उम्मीदें भी खत्म हो गई है। पहले चरण में इंडी अघाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ और आज तीसरे चरण में इंडी अघाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। साथियों, मोदी विकसित भारत के मिशन पर निकला हुआ है। इस संकल्प के लिए आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और मेरी विरासत आप ही है, आपकी आने वाली पीढ़ियां वो ही मेरी विरासत है। मैं आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निकला हूं। मैं आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार। लेकिन साथियों, आप जानते हैं ये इंडी अघाड़ी किस एजेंडे के साथ चुनाव में है? इनका एक ही एजेंडा है, ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसिल चलाएंगे। इन्होंने कहा इंडी वाले जब सरकार में आए तो वो आर्टिकल 370 जो मोदी ने हटाया है उसको ही हटा करके फिर बिठा देंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो CAA लाया है उसको कैंसिल करेंगे। इंडी वाले सरकार में आए तो मोदी जो 3 तलाक के खिलाफ कानून लाए हैं उसको कैंसिल करेंगे। ये लोग मोदी जो किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को भेजता है उसको कैंसिल कर देंगे। मोदी जो मुफ्त राशन की योजना लेकर के गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। हम देश के 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बीड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपक विश्वकर्मा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, महिमा कटारिया गांधीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, मोहम्मद अफसर बदायूं से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले महिमा आपके पास आएंगे, गांधीनगर वोट प्रतिशत अभी तक क्या सामने निकल कर आया है 5 बजे का? यहां से खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में है, क्या कुछ रहा
दिन भर आपने लोगों से बातचीत की, क्या अहम मुद्दे रहे गांधीनगर में? अनन्या, देखिए जब हम बात करते हैं गांधीनगर की तो 55.65% जो वोटिंग है वो हुई है। लगभग वोटर टर्नआउट जो 5:30 बजे के लगभग दिया गया है, जिस तरीके से आपने भी बताया 55.22% हुआ है, यानी अभी अगर हम 5:30 बजे तक की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो 55.22% वोटर टर्नआउट हुआ है, और गांधीनगर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो 55.65% जो है वो वोटिंग हुई है। अब देखना ये होगा कि लगभग 7 बजे कितना एस्टिमेट निकल के सामने आएगा, कितने लोगों ने मतदान किया है, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह 7:30 बजे यहां पर पहुंचते हैं गांधीनगर, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर वो आते हैं और वोट जो है वो कास्ट करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह जिस तरीके से आपने बोला यहां से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सीट काफी वीआईपी हो जाती है, क्योंकि अनन्या अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि एलके आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सबने इस सीट रिप्रेजेंट किया है, और एलके आडवाणी के जाने के बाद जब ये सीट वैकेट हो गई थी तो गृहमंत्री अमित शाह 2019 में जब यहां से चुनाव लड़े थे तो लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे। हालांकि आपने जिस तरीके से बताया 93 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि थर्ड फेज जो लोकसभा का हो रहा है उसमें 93 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आज वोट करने के लिए गई है। लगभग 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी, 1300 जो कैंडिडेट्स थे जिसमें से 120 महिला जो थी वो फ्रेम में थी, यानी कैंडिडेट्स थी जिनके लिए आज वोट किया गया है। अब अहम बात हो जाती है कि आखिर गांधीनगर के या गुजरात के लोगों के मुद्दे क्या निकल के सामने आए हैं, आखिर क्या कुछ लोगों के मन में था। हालांकि गुजरात को बास्टियन कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो गांधीनगर हो, राजकोट हो, क्योंकि अमित शाह के साथ साथ मनसुख मांडविया हो गए, पुरुषोत्तम रूपाला हो गए, ये सभी लोग जो है आज गुजरात से अपने अपने कैंडिडेटर से आज इनके लिए मतदान किया गया था। तो किस हिसाब से लोग जो है वो सोचते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली गांधीनगर की बात करते हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि गृहमंत्री अमित शाह की है, साफ तौर से लोगों का विकसित भारत पर एक अहम मुद्दा जो निकल के सामने आया, डेवलपमेंट। हालांकि लोगों का यह कहना है कि गुजरात मॉडल जो है, डेवलपमेंट मॉडल जो है वो हमेशा से ही लोगों के लिए एक एग्जांपल निकल के सामने आया है, लेकिन नेशनल मुद्दा यानी राष्ट्र का जो मुद्दा है वो इस बार अहम बन के आएगा। जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया या अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, तो 370 को भी गांधीनगर की, क्योंकि लगातार कल से हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बार अनन्या कुछ अलग निकल के सामने आएगा। हालांकि 25, क्योंकि एक अनअपोज्ड सीट जो है सूरत की वो भारतीय जनता पार्टी की किटी में है। अब ये जो 25 सीटें हैं इन पर चुनाव हुआ है, इनमें से क्या कुछ अलग इस बार निकल के आएगा? लेकिन लोगों ने इस बार राष्ट्र के मुद्दे को अहम माना है कि किस तरीके से, चाहे जो राम को लेकर आए हैं उनको लेकर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उस पर काफी विश्वास जताया गया है, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, क्योंकि स्पेशली एबल्ड फर्स्ट टाइम वोटर्स से भी हमने बात की थी। हालांकि वो स्पेशली एबल्ड बच्ची थी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा और कहा कि किस तरीके से वो मतदान कर पाई। तो राष्ट्र का मुद्दा गांधीनगर और गुजरात से अहम निकल के आया है। अनन्या, ठीक है, आप राष्ट्र के मुद्दे को लेकर बात कर रही हैं कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ के लोगों के मन में अब राष्ट्र का मुद्दा, और 2047 तक जो बार बार जिक्र किया जाता है कि कितना विकास विकसित भारत बनेगा, उसका नारा जो लगातार दिया जाता है पार्टियों की तरफ से, उस पर कितना महत्वपूर्ण असर जो है वो आज की वोटिंग का नजर आएगा। दीपक विश्वकर्मा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 7 लोकसभा की सीटों पर आज यहाँ पर वोटिंग हुई, क्या परसेंटेज अभी तक सामने निकल कर आया है, क्या मुद्दे अहम रहे? देखिए, अगर कुल परसेंटेज की बात की जाए 7 सीटों में तो 66.87% निकल के आया, और सबसे फिसड्डी रायपुर रहा। रायपुर सुबह से लेकर शाम तक, अब पीछे आप देखेंगे गेट बंद हो चुके हैं, सबसे फिसड्डी रायपुर रहा, और जो मौजूदा स्थिति है उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे। बारिश हो गई, हालांकि कई जगह बारिश की वजह से लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद टॉर्च की रोशनी में कई जगह मतदान किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और उनके बेटे ने पिंडरा में जब वोट डाला तो स्वयं के जो टॉर्च है उसकी रोशनी में उनसे वोट मतदान कराया गया। उसके बाद कमोवेश सूरजपुर में भी यही स्थिति रही। अभी भी कुछ लोग जैसे ही मतदान
जो बूथ है उसकी ओर जब आने की कोशिश कर रहे थे तो बारिश एकाएक इतनी तेज बढ़ गई कि स्थिति ये हो गई कि जो लोग थे वो उसी पार रह गए। कुछ लोग जरूर हैं जो वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं, टोकन ले लिया और टोकन लेने के बाद वो अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो मुद्दे रहे, क्योंकि कोरबा का भी हमने जिक्र किया, कोरबा भी हम गए, जांजगीर गए, रायगढ़ गए, तमाम जगहों का हमने दौरा किया, हर जगह एक चीज़ की चर्चा जरूर थी, हर जगह राम की चर्चा थी, हर जगह ये जरूर कहा जा रहा था कि आप हमें भी टिकट दे दीजिए, लेकिन जो चुनाव है वो मोदी के चेहरे पे हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने इससे पहले भी लोकसभा चुनाव कवर किया है, इस तरह की चर्चाएँ नहीं थी जो इस बार चर्चा थी। इस बार चर्चा ये थी कि चुनाव मोदी के चेहरे पर हो रहा है, हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हम लोकसभा में कैंडिडेट कौन है इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था, ये तक कह दिया गया हमको पता ये काम नहीं कर रहा, लेकिन चेहरा दिल्ली का है, हम देश की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम अपने भगवा के रंग को नहीं नकार सकते, हम मंदिर बनाया हम कैसे भूल जाएं। जब इस तरह की बात हो रही है और इस तरह की चर्चा हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई गांधीनगर या अहमदाबाद या तमाम दूसरे राज्यों का जिक्र नहीं है, सुदूर छत्तीसगढ़ का चाहे बस्तर हो चाहे दूसरी जगहें हों, आज हमने तमाम जगहों पर हम कोरबा भी गए, हम रायगढ़ गए, हम बिलासपुर गए, दुर्ग गए और तो और जशपुर में, हर जगह ये चर्चा थी और हर जगह ये चर्चा की जा रही थी कि जो भगवा जो राम मंदिर बनवाया गया है हम उसको कैसे भूल सकते हैं, हम देश की अस्मिता से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, हम उन वो जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, जब इतना सारा काम हुआ है तो कैसे इन चीज़ों को भूल जाए। तो कहीं ना कहीं जो पहले चर्चा की जाती थी सड़कों की, स्कूलों की, कुछ लोगों ने बेरोज़गारी की चर्चा जरूर की, लेकिन यदि आप एक तराजू में बेरोज़गारी और राष्ट्र के मुद्दे को देखेंगे तो राष्ट्र का मुद्दा ज़्यादा हावी नज़र आया, क्योंकि यदि हर व्यक्ति हर मतदाता इस तरह की चर्चा कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, तो आप उससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति ये है कि राष्ट्र का जब जिक्र हो रहा है तो तमाम चीज़ें गौण हो जा रही हैं, रोजगार का मुद्दा गौण हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा नहीं हो रही, चर्चा हो रही है, लेकिन जब राष्ट्र की चर्चा हो रही है तो उसको लोग भूल जा रहे हैं। उनसे जब ये भी पूछा गया क्यों कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहिए, जो उनका गठबंधन है उनको मौका नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी को मौका नहीं देना, तो सीधा सीधा ये कह दिया गया कि अभी उनको और सीखने की जरूरत है, उनको और समझने की जरूरत है। और जब सीखने और समझने की किसी नेता के लिए चर्चा की जाती है तो आप समझ सकते हैं तो बहुत हद तक ये समझ आता है कि तस्वीरें किस हद तक क्लियर हो रही है। जब आपने राहुल गांधी को लेकर इंडिया अलायंस का जिक्र किया, जब आपने बीजेपी को लेकर बात की, तो लोगों के मन में ये जरूर था कि देखिए अयोध्या हम होकर आए हैं या जो भक्त वहां से पहुंच रहे हैं कि राम मंदिर वो वहां पर देख रहे हैं। और विकास को लेकर ये सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जो चीज आपको दिखती है उसका असर बहुत ज्यादा होता है, और कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर जो लोग देख पा रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे और जिन्होंने मंदिर की भव्यता को देखा, उनके मन में एक असर जरूर मंदिर ने छोड़ा है। हमारे साथ मोहम्मद अफसर भी बदायूं से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटों पर आज वोट डाले गए, जिसमें बदायूं महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं मैनपुरी है। क्या वोट परसेंटेज रहा उत्तर प्रदेश का, अगर हम पिछले पहले फेज और सेकेंड फेज की बात करें तो वोट परसेंटेज कम था उत्तर प्रदेश का, आज को लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले और दूसरे फेज में भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है और आज भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि 52% वोट पड़े हैं शाम 5 बजे तक बदायूं में, और ये कोई बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है, क्योंकि आखिरी के एक घंटे की बात करें तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं दिखी। भीड़ सुबह में बहुत अच्छी थी, 6:30 बजे लोग आ गए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि दोपहर में शायद धूप की वजह से लोग नहीं आ रहे, गर्मी ज़्यादा है, शाम में शायद 5 से 6 के बीच में आएंगे, लेकिन भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी 5 से 6 के बीच में। मतलब वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 52% वोटिंग परसेंटेज था 5 बजे तक का, तो मुश्किल से मान लीजिए तो 4% या 5% और बढ़ जाएगा, तो ये कोई बहुत अच्छा रुझान नहीं है वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। लेकिन जब लोगों से हमने बात की तो लोग विकास की बात कर रहे थे, रोजगार की बात जरूर कर रहे थे, और साथ में बात कर रहे थे कि हमें जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का झुकाव था वैसे लोग बात कर रहे थे। अब बात हम यहां के आंकड़ों की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत आंकड़े बहुत मैटर करते हैं कई बार, और इसीलिए बदायूं से खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे को टिकट दिया है, आदित्य यादव को टिकट दिया है, और समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा इत्मीनान दिख रही थी कि वो यहां से जीत सकती है, लेकिन इत्मीनान होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पिछली बार बीजेपी यहां से जीती थी और बीजेपी 18,000 वोटों से जीती थी।
अब हम यहाँ पर जातिगत आंकड़ों की बात करें जो समाजवादी पार्टी गिना रही है कि 4 लाख, क्योंकि टोटल 22 लाख वोट है, 22 लाख वोट में से 4 लाख मुसलमान वोटर है, 4.5 लाख यादव वोटर है, तो इन दोनों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी उसको अपने खेमे में देख रही है और ये कह रही है कि ये हमें इजी विन दिला सकता है। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज जब कम होता है तो वो सबके लिए होता है और पिछली बार बीजेपी यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन वाकई मोहम्मद अफसर सवाल यही है कि इंडिया अलायंस के लिए समाजवादी पार्टी के लिए इजी विन है भी या फिर नहीं, या सिर्फ बातें की जा रही हैं। हमारे साथ रास बिहारी जी भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु भट्ट जी, कैसे देखते हैं इस वोट परसेंटेज को? उत्तर प्रदेश में अगर वोट परसेंटेज कम हो रहा है, महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत कम सामने निकल कर आ रहा है और पश्चिम बंगाल में भी, ये किस तरह के संकेत दे रहा है? ये बड़ा सीधा संकेत है, जो पहले 2 राउंड में हुआ वही तीसरे राउंड में भी हुआ है। और जब वोट परसेंटेज ठीक ठाक रहता है, बढ़ता नहीं है। अभी यूपी पे भी आप देखेंगे तो जो यूपी की जो एवरेज रही है उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। उसकी वजह ये जो 10 सीटें हैं अनन्या जी, ये 10 सीटें सही अर्थ में यादव बेल्ट जिसको कहा जाता है उसकी सीटें है। इसमें है मतलब MY इक्वेशन, मुस्लिम्स और यादव, ये दो मिला के ये सीटें यादवों का गढ़ रहता था। मगर इस बार दिक्कत क्या हो गई है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 80 में से खाली 4 मुस्लिमों को टिकट दी और दूसरी तरफ बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने, लोग कहेंगे बसपा कहां से रेस में आ गई, बसपा रेस में नहीं है, मगर बसपा बहुत बड़ा स्पॉइलर काम करेगी। जैसे ये बदायूं में कहा जाता है कि वहां पर भी बसपा का जो कैंडिडेट है और उसका जो कैडर वोट है, वो कैडर वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। और इसीलिए हाँ, एक बात डेफिनेटली है कि मैनपुरी है, संबल है, फिरोजाबाद है, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के जीतने की आशा बहुत अच्छी है। मगर हमने देखा है कि ऐसे कभी कभी होता है कि 2 की लड़ाई में तीसरा जीत जाता है। ठीक है, 2 की लड़ाई में क्या तीसरे को फायदा होगा? ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। बिहार में शाम 5 बजे तक करीब 56% वोटिंग हुई है, मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक करीब 62% वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 55% वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में 5 बजे तक 74% मतदान हुआ है, गुजरात में शाम 5 बजे तक करीब 55% वोटिंग हुई है। तो 5 बजे के ये आंकड़े सामने निकल कर आ गए हैं। शाम 5 बजे तक गुजरात में लगभग 55% वोटिंग हुई है और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा है, ये लगातार हम अपने खास मेहमानों से समझ रहे हैं। रास बिहारी जी, जो वोट परसेंटेज सामने निकल कर आया है, हमने गुजरात की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की, बिहार की बात की, लेकिन इन सबसे बढ़ चढ़ कर जो वोटर्स हैं वो पश्चिम बंगाल से, जो एक तरह से कह सकते हैं कि परसेंटेज सामने निकल कर आता है, वो लगभग हर बार 70+ ही हमने देखा है, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी और थर्ड फेज में भी उसी तरह की स्थितियां हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और ये किस तरह का संकेत देता हुआ दिख रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज चाहे बेशक कम हो, लेकिन अगर हम पिछले बार के चुनाव की बात करें तो जैसे पश्चिम बंगाल में 81.6 वोटिंग थी, प्रतिशत वोटिंग थी, मुझे लगता है जब पूरा आंकड़ा आएगा मतदान का लगभग इसी तरह का आएगा। हाँ, ये जरूर है कि असम में पिछली बार बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी, 85% से ज्यादा मतदान हुआ था। यूपी में तो पिछली बार भी 60% ही हुआ था और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं थी, केवल 63% वोटिंग थी। गोवा में जरूर अच्छी वोटिंग हुई थी, 70% तक मतदान हुआ था, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम होना या ज्यादा होना ये कई बार कुछ मौसम पर भी निर्भर करता है और कुछ दूसरे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। मेरा मानना है कि इस बार मतदान प्रतिशत कम होने की वजह दोनों तरफ की उदासीनता है। हमने ये महसूस किया जो लोगों से बातचीत की कि चुनाव आयोग ने मतदान करने की अपील तो जरूर की है, लेकिन चुनाव आयोग के कर्मचारी लोगों के घर तक नहीं पहुंचे। इसी तरह देखेंगे तो राजनीतिक दल, क्योंकि सबसे ज्यादा भूमिका इसमें राजनीतिक दल की होती है,
चुनाव आयोग की कर्मचारी भूमिका कम रहती, लेकिन मुझे मैंने जो महसूस किया, जो लोगों से बातचीत हुई है, जगह जगह जो फीलिंग आई है, उसमें यह है कि सभी राजनीतिक दलों के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनका इस बार चुनाव में, खासतौर पर मैं यूपी का जिक्र करूं, अगर उत्तर प्रदेश का, बहुत ज्यादा भागीदारी नहीं रही है। जो जो चुने हुए निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, वो भी चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी बैठक ज्यादा करती रही, लेकिन निचले स्तर पर काम कम हुआ है। ये भी एक चिंता की बात है। यहाँ पर दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि ठीक है, मैं जैसे भारतीय जनता, उसी तरह देखेंगे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो भी उस तरह नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे बंगाल में जो राजनीति होती है, बंगाल में जगह जगह चुनाव का कार्यालय बनते हैं। अब इसमें एक बड़ी समस्या, चुनाव आयुक्त की जो खर्च की सीमा है, जो खर्च पर वो निगरानी है, और जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, उसको लेके भी राजनीतिक दल बहुत ज्यादा कार्यालय नहीं खोलते लोग ले। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लोग अपने ही आप कार्यालय खोल लेते हैं, लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा गांव ही बट गया। वहां तो चुनाव से पहले ही समझ आने लगता है कि किसका पड़ला भारी है, किसका पड़ला कम कमजोर है। लेकिन बाकी का राज्यों में देखेंगे हम, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जब पहले दिखाई पड़ता था किसका पड़ला भारी है, किसका कमजोर है, लेकिन इस बार के चुनावों में उस तरह का माहौल नहीं दिखाई दिया। इतना जरूर माहौल है कि मतदाता तो मोदी को वोट देना चाह सकते हैं या उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, लेकिन खिलाफ भी इतना नहीं दिखाई दिया कि हम अभी से अनुमान लगा लें, क्योंकि इस बार 4 जून से पहले कुछ भी कहना बड़ा आसान नहीं होगा। 4 जून को जब मतदान का रुझान आएगा, रिजल्ट आएंगे, तभी पता चलेगा कि मतदाता आखिर क्या करते गया। ठीक है, अब क्या लग रहा है हिमांशु जी, जो राज बिहारी जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी थी इस बार, क्योंकि जिस तरह का माहौल हम देखते हैं, कार्यकर्ता जब घर घर जाते हैं और वोट मांगते हैं, उस तरह का माहौल इस बार नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन हुआ, सोशल मीडिया पर तो खूब माहौल दिखा, लेकिन जब हम जमीनी स्तर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। और क्या आप मानते हैं कि मौसम एक बड़ी वजह है, गर्मी ज्यादा पड़ना वोट प्रतिशत कम होने का कारण है? तो फिर सवाल ये भी उठ जाएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार में तो लगभग एक जैसी ही गर्मी है, एक तरफ 74% वोटिंग आता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगभग 50 प्लस ही देखा हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फर्स्ट फेज में तो काफी कम वोटिंग हुई थी बिहार में। नहीं, मैं बताऊं आपको, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल की बात पहले करेंगे और बाद में यूपी की बात। बिहार पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो इस बारी की जो चुनाव में, ये थर्ड फेज के अंदर जो 4 सीटें गई है, ये चारों सीटों के ऊपर अगर आप इक्वेशन देखें तो वो इक्वेशन क्या रहा है, ये चारों सीटों के ऊपर मुर्शिदाबाद जैसी सीट के ऊपर तो तकरीबन 67% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि नॉर्थ मालदा और साउथ मालदा में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वहां पर मतदान होना ये एक बात सुझाता है कि या तो उनका गुस्सा तृणमूल के ममता दीदी के सामने निकला है और वो वोटर फिर से सीपीएम और कांग्रेस की ओर चला गया है, ये एक वजह हो सकती है, या फिर वो वोटर ममता बनर्जी को एंडोर्स करना चाहता है और उसकी वजह से बाहर निकला। दूसरी तरफ आप बिहार की बात करें, देखिए मैं इसमें भाजपा को नहीं ला रहा हूं, भाजपा हालांकि उत्तर मालदा जीता था पिछले चुनाव के अंदर, इस बारी भी जीत सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट दो में डिवाइड हो जाते हैं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस और सीपीएम के बीच में, तो ये स्थिति बन सकती है, मगर उसकी बात तो वो 4 जून को पता चलेगी। साथ में हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर जो सीटें गई हुई है, वो सीटों के ऊपर जनता दल यू और एलजेपी के 4 उम्मीदवार और उनके सामने आरजेडी, तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हर एक जगह पे, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू होता है भाजपा और समाजवादी पार्टी को भी, कि हर एक जगह पे सुबह 12 बजे तक धराशा बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ, जम के वोटिंग हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। उसकी वजह, और ये कब होता है, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानता है, पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूं कि ज्यादा करके जब ऐसा होता है तब ये बात समझ में आती है कि हर एक पार्टी के राजकीय कार्यकर्ता
जो प्राइमरी वर्कर्स है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वोट जाके देना अपने क्षेत्र के अंदर, वो हर एक पार्टी के राजकीय कार्यकर्ता जाके पहले वोट दे के आते हैं 12 बजे के पहले। हाँ। उससे वो वोटिंग परसेंटेज स्वेल हो जाता है और उसके बाद आम प्रजा जो है वो निरुत्साही रहती है। और इसकी वजह है, अब जैसे हम 36 छत्तीसगढ़ के हमारे संवाददाता को सुन रहे थे तो हमें पता चला कि वहां लाइन नहीं है, बारिश गिर गई तो लोग चले गए। पीपल आर नॉट दैट पर्टिकुलर कि हमें जाके वोट करना ही है। उसकी वजह यह है कि लोगों को घरों में से जाके बाहर नहीं निकाला गया वोटों के लिए, कोई भी राजकीय पक्ष हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कुछ भी हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस प्रकार की 60-65% वाली वोटिंग ही आपको दिखेगी, और जो आपको तीसरे फेज में भी दिख रही है, पहले दो फेजों में भी यही दिखा और तीसरे फेज में भी यही दिखा। तो मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि इनसे कैडर बेस जो भी पार्टी होती है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर आप आंकड़े देखें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले 2019 के अंदर इन 93 सीटों के ऊपर भाजपा का स्ट्राइक रेट 65% था। मतलब उन्होंने 71 सीटें जीती। और इस बारी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 65% से बढ़ के तकरीबन 72-75%। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम तीन फेज की वोटिंग की बात करें तो लगभग आधी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 283 सीट पर वोट डाले जा चुके हैं। ये समीकरण क्या कहता है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ रितेश मिश्रा खगड़िया से लाइव जुड़ गए हैं, साथ ही रैनिक दत्ता पश्चिम बंगाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, अगर हम बात करें बिहार को लेकर, बिहार में वोट परसेंटेज जो है वो 56% वोटिंग सामने निकल कर आई है, ये क्या बताता है? क्योंकि फर्स्ट फेज में भी कम वोटिंग होना, सेकंड फेज में भी कम वोटिंग होना, ये किस तरफ इशारा है और क्या बड़ी वजह है अगर वोट परसेंटेज कम निकल कर आ रहा है तो? रितेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, रैनिक हमारे साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। रैनिक, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 4 सीटों पर आज वोटिंग हुई, और अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं तो तमाम सीटों से ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो पश्चिम बंगाल में सामने निकल कर आता है। क्या रहा लोगों के मन में आज, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट किया? एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में 2019 साल में भी जिस तरीके का मतदान हुआ था उसमें ये जो चार जगह में कुल मिलाकर 80% के ऊपर वोट आया था। और आज का बताया जाए तो इलेक्शन कमीशन का जो रिपोर्ट कह रहा है कि शाम को 5 बजे तक ये मतदान 73% हो चुका है। और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ मुर्शिदाबाद, वो मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा है, 76.49% वोट हुआ है पूरा मुर्शिदाबाद में। यानी बोल सकते हैं कि लोग मतदान करने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं, बाहर आके वोट दे रहे हैं। पहले दो चरण में भी दिखा गया था कि पश्चिम बंगाल में लोग बाहर आके वोट दे रहे थे, और आज भी जब मुर्शिदाबाद का बात किया जाए तो मुर्शिदाबाद में आप जानते ही है कि मुर्शिदाबाद में बार बार से हिंसा का घटना पिछले बहुत दिनों से आ रहा है। इलेक्शन का मतलब ही हिंसा है, और इसी वजह से एक डर रहता था इलेक्शन कमीशन का कि इस बार चुनाव में ये मतदान में वोटर टर्नआउट में कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स का मौजूदगी किया गया था और उसके साथ साथ ही जो वेबकास्टिंग का बंदोबस्त किया गया था उसके भरोसे आज मुर्शिदाबाद का जो तस्वीर, वो तस्वीर कह रहा है कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में लोग बाहर आए, बहुत सारे मुद्दा सामने लेके आए थे, बहुत सारे वोटर्स के साथ भी हम लोग बात किए थे। वोटर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि डेवलपमेंट हो या शिक्षा हो और उसके साथ महंगाई, ये सब बहुत सारे मुद्दा वोटर्स ने बात किया। वोटर्स के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन भी हुआ, उन लोग ये सब मुद्दे के ऊपर बाहर आके वोट दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ही सेंट्रल का जो प्रोजेक्ट है, सेंट्रल प्रोजेक्ट के साथ साथ ही स्टेट का डेवलपमेंट उनके, वो भी वोटर्स का ध्यान में है, ऐसा वोटर्स की तरफ से कहा जा रहा है। यानी कुल मिला के बोल सकते हैं कि मुर्शिदाबाद का जो तस्वीर है, तो वो है कि सेंट्रल की तरफ से क्या क्या प्रोजेक्ट जो है वो रखे गए हैं, क्या क्या वादे जो है वो किए गए हैं, साथ ही लोकल डेवलपमेंट जो है अगर आप अपनी लोकसभा सीट के आसपास देखते हैं वो कितना हुआ है, वो भी वहां पर वोटर्स के ध्यान में बहुत ज्यादा है। और ये तमाम चीजें
किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये हमने अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन हमारे साथ चेतन सेठ भी बने हुए हैं। चेतन इस वक्त गुना में मौजूद हैं। चेतन, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज जो वोटिंग हुई है, जिसमें गुना बहुत महत्वपूर्ण है, विदिशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वोट परसेंटेज यहाँ पर रहा? अनन्या, मैं क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिसमें गुना, विदिशा और राजगढ़ 3 लोकसभा सीटें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और 1 केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम 2019 के मतदान की बात करें तो मतदान प्रतिशत जिस तरीके से रहा था, वही आंकड़ा तीसरे चरण के मतदान में छूने को पहुंच गया है। गुना लोकसभा सीट में 71% मतदान 2019 में हुआ था और इस बार जो 5 बजे का नतीजा आया है उसमें लगभग 70% जो है मतदान यहाँ पर हुआ है। राजगढ़ में 72% मतदान हुआ है, यानी कि बड़े नेताओं का भविष्य क्या होगा, ईवीएम में कैद हो गया है। 6 बजे तक मतदान रहा, तमाम बड़े मुद्दे यहाँ पर हावी रहे, क्योंकि यहाँ पर राव यादवेंद्र सिंह यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों आमने सामने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंबे समय तक सिंधिया परिवार ने इस लोकसभा सीट पर राज किया है। यादवेंद्र परिवार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में सिंधिया के सामने चुनावी मैदान में है। यादवेंद्र के पिता स्वर्गीय देशदास सिंह यादव जो है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके बेटे यादवेंद्र सिंह यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही चेहरे ऐसे हैं, दोनों ही चुनाव हारे हुए हैं। ज्योतिरादित्य लोकसभा का चुनाव हारे थे 2019 में, यादवेंद्र यादव 2023 में विधानसभा का चुनाव हारे थे। दोनों नेता ऐसे हैं कि यादवेंद्र यादव का पूरा परिवार बीजेपी में था और अब वो कांग्रेस में आ गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार कांग्रेस में था अब वो बीजेपी में आ गया। तो मतदाताओं के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार वो अपना मत का प्रयोग कैसे करें। तमाम मुद्दे हावी रहे, क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा भी हावी रहा, लेकिन लोगों ने इधर हटके और जिस तरह से रोजगार है, ये तमाम अहम मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों ने आज वोट किया। खगड़िया से हमारे साथ रितेश बने हुए हैं। रितेश, अगर सबसे कम परसेंटेज बिहार से सामने निकल कर आया तो इसकी क्या बड़ी वजह है, क्यों कम संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है, मैं आऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि ओवरऑल जो वोटिंग हुई है वो 60% हुई है और बिहार में सुपौल में अगर देखें और अररिया में और फिर मधेपुरा, यहां पर 60 का आंकड़ा पार है। बिहार की अगर बात करें तो ओवरऑल वोटिंग 2019 के चुनाव से अगर कंपेयर करें तो 1% की उसमें कमी आई है और जाहिर सी बात है कि ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि बिहार अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल काफी सुदृढ़ प्रदेश माना जाता है, जो लोग होते हैं वो राजनीति के प्रति बड़े मुखर माने जाते हैं, लेकिन वोट परसेंट गिर रहा है। इसके पीछे की वजह अगर पिछले 2 चरणों की बात करें तो बहुत ज्यादा मौसम में तल्खी थी और चुनाव आयोग को जो इंतजाम करना चाहिए था बूथों पर वो इंतजाम हमें कहीं भी नहीं दिखा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया जाता है कि तो क्या वोट परसेंटेज कहां से रहा वो हम आपको बता रहे हैं। अगर हम बंगाल की बात करें तो लगभग 74% वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल तो वोटिंग हुई है और साथ ही हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए रोहन गुप्ता बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता, सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं थर्ड फेज का, आज वोटिंग की गई और जो वोट परसेंटेज ओवरऑल सामने निकल कर आ रहा है 60% लगभग, हालांकि 5 बजे तक का ही आंकड़ा है, 6 बजे तक का आंकड़ा कुछ ही देर में सामने आएगा, इस वोट परसेंटेज को आप कैसे देख रहे हैं और सबसे कम वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी समय हुआ है, पर जब तक सारे लोग जो पोलिंग बूथ के अंदर है उनके वोटिंग नहीं आ जाते हैं, आंकड़े नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है अभी कुछ कमेंट करना जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले 2 चरणों में भी देखा कि पहले कहा जाता था कि 7-1% की कमी है, पर फाइनली जो नंबर्स आए उसमें करीब 3% की कमी देखी गई। तो आप थोड़ा समय वेट करना चाहिए, पर ओवरऑल जो मैं सेंटिमेंट देख रहा हूँ
कहीं ना कहीं लोगों ने अपना मन पहले से ही बना लिया इस चुनाव में। जिस प्रकार से इस सरकार ने अपने कार्य किए हैं, विजन 2047 की बात मोदी जी कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, सारे लाभार्थियों को उनका लाभ मिल रहा है, और हर हर मुद्दे पे, काम की बात हो, आस्था की बात हो, विजन की बात हो, नैरेटिव की बात हो, हर मुद्दे पे इस सरकार ने अपना जो परफॉर्मेंस है जनता के सामने रखा है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जनता ने जब अपना मन पहले से बना लिया है और जो 400 पार का नारा है मोदी सरकार, वो बिल्कुल साकार होगा। और जैसे मोदी जी ने कहा कि सरकार आते ही 100 दिन का एजेंडा तैयार है, सरकार आने के बाद ये सरकार सोने वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है। सरकार में आते ही सरकार अपने काम पे लग जाएगी और मिशन 2047 का जो पथ है वो पहले दिन से उसके अंदर कार्य चालू हो जाएगा। ठीक है, अब रोहन जी, क्योंकि आपने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़ने वाले सिर्फ आप ही नेता नहीं है, इस पूरे, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पूरी एक फेरिस्त है जिसमें महाराष्ट्र से भी कई नेता हैं, जिसमें पंजाब से भी कई नेता हैं, हाल ही में भी दिल्ली से भी कुछ नेताओं के नाम जुड़ गए जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। क्या बड़ी वजह रही कांग्रेस छोड़ने की? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो कॉमन आपको वजह दिखेगी कि जो नीतियां हैं, निर्णय है, जो जनता के बुरी तरह से विमुख हो गए। आप जनता का सेंटीमेंट ही नहीं समझ पा रहे। सेंटीमेंट समझने की बात जाने दीजिए, जो सेंटीमेंट है उसके खिलाफ की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका अहंकार है कि ठीक है, हमने 60 साल शासन कर लिया, हम जो भी चीज जनता पे थोके होगी जनता उसको स्वीकार कर लेगी। अब ऐसा नहीं चल सकता। जनता जागृत हो चुकी है, जनता को मालूम है कि उनका जो मत है, ऐसे उनकी दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, मत भी एक तरीके से प्रॉपर्टी, उसको कैसे उपयोग किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस के नेताओं के अहंकार की और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई छिड़ चुकी है। और जो हम देखिए, हम लोग एक फ्रंटलाइन वॉरियर थे कांग्रेस पार्टी के, हमको मीडिया को भी फेस करना पड़ता था, जनता में भी हम जाते थे। अब जब जनता में जाते हैं, लग रहा है कि जा रहे जो निर्णय है टोटली गलत है। राम मंदिर के इन्विटेशन पे नहीं जाने की बात हो, सनातन के अपमान पे चुप रहने की बात हो, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर आम आदमी पार्टी के साथ टाई अप करने की बात हो, आप रोज देख रहे हैं। अभी कल आज एक बयान आया कि खालिस्तान से उन्होंने पैसे लिए। कौन से मुद्दे पे आप कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी, जिसके कारण हमने 15 साल पार्टी के पीछे दिए, वो थी राष्ट्रवाद की बात थी और सनातन की रक्षा की बात थी। ये दोनों मुद्दे पे आप पिछले कुछ साल में देखिए, 2-3 साल से बिल्कुल तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है इसके खिलाफ जाने लगे। राष्ट्रवाद की बात करें, खालिस्तान के जिन्होंने पैसा लिया, आम आदमी की पार्टी के साथ आप टाइप करें। भ्रष्टाचार की आप बात करें, एक्साइज कांड में जो आम आदमी पार्टी बुरी तरह से गिर चुकी है उसकी रक्षा की बात करें, उन्होंने आपके नेताओं को गाली। कहीं पे आप पंजाब में उनके साथ टाई अप नहीं करते हैं और नेशनल लेवल पे बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम टाई अप कर रहे हैं, तो ये कैसे जनता स्वीकार करेगी? आप लोकतंत्र बचा रहे हो तो क्या पंजाब में लोकतंत्र नहीं है? वहां पे आपको नहीं रक्षा करनी, वहां पे आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में बोलते हैं कि टीएमसी है, वो है अंदर, पर उसके साथ हम लोग चुनाव जो है अलग लड़ेंगे, तो ये विरोधाभास नहीं चल सकता है ना। आपकी नीतियों में कंसिस्टेंसी हो। और आखिरी कई दिनों में आप देखिए कि जिस प्रकार से हेमंत करकरे जी के जो शहीद हुए उनके खिलाफ जो बयान आया, हो उसी बात हो, आप फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया पाकिस्तान के बारे में, हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी चुप है। मुझे बताइए, एक भी जगह पे क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। क्यों? लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि आप सनातन को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं, पिछले कुछ समय में हमने देखा कि तमाम बड़े नेता कांग्रेस के ही सनातन को लेकर जिस तरह से बयानबाजी करते रहे, जाहिर सी बात है उसके लिए बार बार ये कहा जा रहा था कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलें होंगी, और बड़े नेताओं का इस पर चुप रहना, क्या ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस को इसी चुनाव में आगे आने वाले समय में चुनौतियां होंगी जब हमारे सामने रिजल्ट होगा, और इस तरह की लेफ्टिस्ट वाली जो मानसिकता है वो क्यों हावी हो रही है कांग्रेस पर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि बड़े नेताओं को ये लग रहा है कि अब तुष्टीकरण जो है वही उनको बचा सकता है। मैं तेलंगाना का चुनाव का इंचार्ज था, वहां वॉर रूम इंचार्ज था, वहां मेन मैनिफेस्टो से आने से पहले माइनॉरिटी मैनिफेस्टो कैसे लाया जाए वो उनके विचार हो रहे। सबकी योजनाओं को नहीं करना, हमको माइनॉरिटी की योजना डिक्लेयर करना है, और सिर्फ तुष्टीकरण। आज वही तुष्टीकरण के कारण उनको ये डर लग गया कि सनातन का जब अपमान हो रहा है, अगर उसके खिलाफ हम बोलेंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी। ये जो मानसिकता है तुष्टीकरण की, वो कांग्रेस के नेताओं के सर पे इतनी ज्यादा हावी हो गई कि उनको कुछ देखने को तैयार नहीं। उनको 140 करोड़ भारतीयों की आस्था से मतलब है ना, उनके विश्वास से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। उनको ये था कि हम कुछ भी करेंगे, जनता के ऊपर थोपेंगे, जनता स्वीकार करेगी। जो मुस्लिम माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की बात करें, उनके लिए भी उन्होंने क्या किया? आंध्र प्रदेश में उनको मालूम है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, फिर भी सिर्फ दिखावा करने के लिए 5 बार आरक्षण का प्रयास उन्होंने किया और हर बार फेल हो गया। कर्नाटक में क्या किया उन्होंने? आज ओबीसी का दूसरा आरक्षण काट के माइनॉरिटी आरक्षण देने की बात की।
तो तुष्टिकरण में ये लोग इतने लिप्त हो चुके हैं कि उनको धरातल के जो सेंटीमेंट या जनता की भावना है आस्था है उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही अहंकार के सामने देश की जनता ने लड़ाई छेड़ दी है। जब जनता ने लड़ाई छेड़ दी हो, हमारे जैसे कार्यकर्ता हमें से पूरे टाइम में भी हम पार्टी के साथ रहे, पर अब दुख के साथ जाना पड़ा क्योंकि जिस प्रकार के नैरेटिव है, हम एक भारतीय होने के नाते इस प्रकार के नैरेटिव के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक है, रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रोहन गुप्ता बीजेपी नेता जो कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, क्यों इस तरह की मानसिकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और ये मानसिकता जो लेफ्टिस्ट वाली मानसिकता है, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, वो कैसे आने वाले वक्त में कांग्रेस पर भारी पड़ेगी।